तो गाइज आज की जो वीडियो है उसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है किस तरह से अपने लैपटॉप या फिर पीसी में जो है जो पबजी गेम है उसको आप कैसे चला सकते हैं। गाइज आपके पीसी में चाहे कम रैम हो या फिर प्रोसेसर कम हो, मैं वो तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि मेरे में कितना है। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको जो है सबसे पहले गेम खेल के दिखा दूँ थोड़ा सा, जिससे आपको जो है भरोसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं जो है गेम यहाँ पे ओपन किया हुआ है वैसे तो मैंने, तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा आपको खेल के दिखाता हूँ जिससे आपको, और फिर मैं जो है अपने लैपटॉप की जो है स्पेसिफिकेशन आपको जो है बताऊंगा कि मेरे लैपटॉप में कितने जीबी रैम है, कितने जीबी हार्ड डिस्क पड़ी हुई है और क्या जो जो हमारा प्रोसेसर है वो कितने का है, तो आप जो है समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, एक मिनट गाइज, ये जो है सर्वर डाउन बता रहा है। तो यहाँ से जो है मैं इसको एक बार ओपन करने के बाद यहाँ से जो है आपको एक बार ये खेल के दिखाता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा। चलिए गाइज जितने जो है ये ओपन होता है इतने मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और सबसे पहले मैं जो है चलता हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको काफ़ी सारी जो वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको जो है अपनी कंप्यूटर की जो है अपनी स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में चलता हूँ इसकी। ठीक है, जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे जो सिस्टम की रैम है वो है 4 GB। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके भी सिस्टम या फिर लैपटॉप की जो रैम है वो 4 GB है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम टाइप जो है मेरा वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट भी नहीं है गाइस, यहाँ पे 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है यहाँ पे चला रहा हूँ। और मेरे जो लैपटॉप में जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो इंटेल का लगा हुआ है, i5 लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ भी है। और गाइस अगर आपके में है ना ये, तो गाइस पक्का आपके में जो है पबजी गेम बहुत मक्खन की तरह चलेगी। अभी मैं जो आपको जो है जब खेल के दिखाऊंगा तो आपको जो है यकीन भी हो जाएगा। चलिए मैं एक बार आपको जो है अपनी जो हार्ड डिस्क है वो भी दिखाता हूँ। अभी मेरे टोटली टोटली मैं आपको बताऊं तो मेरी जो है 240 के करीब मेरी जो हार्ड डिस्क है वो यहाँ पे लगी हुई है। तो गाइज यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे जो है पबजी स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंटर मैच करता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे जो है सबसे पहले हम पबजी खेलते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से जो है मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। गाइज यहाँ पे जो है मैं इस रिकॉर्डिंग को जो है लगा रहा हूँ, इसलिए गाइज ये जो है थोड़ा सा इसमें लैग कर रहा है, इसलिए अगर मैं रिकॉर्डिंग ना लगाऊं और मैं वैसे खेलूं तो गाइस बहुत अच्छा प्रॉपर चलता है। मैं जो है आपको एक बार फुल स्क्रीन में कर देता हूं इसको और मैं जो है फिर आपको दिखाता हूं इसमें। तो यहाँ पे जो है गाइस मैं जो है यहाँ पे अपना पबजी जो है यहाँ पे खेल रहा हूँ, और गाइज यहाँ पे जो है लैग इसलिए कर रहा है भी, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लैग कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर वैसे तो चल रहा है, पर गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है मैं मर गया हूँ यहाँ पे। तो एक मिनट मैं इसकी स्क्रीन जो है छोटी कर लेता हूँ थोड़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज इसमें जो है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए जो है यहाँ से इसने मुझे यहाँ से लैग कर रहा है। मैंने जो है आपको पहले रिकॉर्डिंग अगर मैं करता इसकी तो आप जो है फिर ये कहते कि भाई दिखाया तो है नहीं खेल के, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो है आपको पहले खेल के दिखा रहा हूँ। वैसे तो इतना लैग भी नहीं कर रहा है इससे रिकॉर्डिंग से, पर थोड़ा बहुत तो कर ही रहा है, कोई बंदा भी नहीं है यार। तो यहाँ पे आप जो है पूरा मुझे ले सकते हैं इस पबजी के, तो यहाँ पे जो है मर चुका है। ठीक है गाइज, आप जो है एक बार इसको खेल के देखेंगे ना तो आपको जो है पक्का समझ में आ जाएगा और आप जो है फिर तो चैंप बन ही जाएंगे। और मैं जो है अगली वीडियो में आपको जो है इसकी की भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैंने जो है यहाँ पे ये जो है खेल लिया, अब मैं जो है इसको क्या करता हूँ यहाँ से इसको कर देता हूँ कट। ठीक है ओके, तो अब मैं बताऊंगा आपको कि आप जो है इसको किस तरह से अपने लैपटॉप या फिर पीसी में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं जो है यहाँ से इनके आइकन जो है यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने जो आपको सारी प्रॉपर्टीज जो अपने सिस्टम की दिखा दी है, तो सबसे पहले आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउजर पे। जाने के बाद आपको जो है अपने यहाँ पे न्यू टैब पे जाना है, आपको लिखना है गेम गेम, और आपको जो है लूप लिखना है इसमें, लूप एक मिनट लूप। ठीक है, आपको लिखना है फिर इसमें पबजी, ये आप डालेंगे। डालने के बाद आपको जो है एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको जो है नीचे यहाँ पे आप नीचे जाना, नीचे जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पे आपको कई सारी जो वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगी। पर गाइस आपको जो है इस वेबसाइट पर आना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम लूप .en.softnic.com, आपको जो है इसी वेबसाइट पर आना है। अगर आप जो है इस पे नहीं ढूंढ पाते इस वेबसाइट को, तो आपको आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा, आप जो है डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। प्लीज गाइज इसी वेबसाइट पर जाइए, क्योंकि इस वेबसाइट पर जो है वायरस की जो चांसेस है बहुत कम होते हैं। तो गाइज आप जो है इसी वेबसाइट पर जाइए, फ्री डाउनलोड पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो है यहाँ से डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको जो है यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करना है, तो अभी जो है यहाँ से डाउनलोडिंग होने का जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से जो है मेरी जो फाइल है वो करीब करीब 9 MB की फाइल है गाइज, जो है यहाँ से डाउनलोड हो रही है। तो गाइज आपको जो है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो है गाइज एक जो है एमुलेटर है, ये एमुलेटर इतना बेस्ट है, ये जो एमुलेटर है आपकी जो परफॉर्मेंस है कंप्यूटर की या फिर लैपटॉप की वो बहुत कम है, तो ये जो है बिल्कुल लो परफॉर्मेंस पे जो है चल जाता है और बहुत ही अच्छे से प्रॉपर वर्क कर रहा है, बिल्कुल भी लैग नहीं करवाता गेम को। ये एक बार आप जरूर खेल के देखना, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद मैं जो है इसमें एक एक प्रोसेस जो है आपको बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल भी गाइज लैग नहीं करता, अगर आपके 4 GB रैम है और i5 प्रोसेसर है तो आपको जो बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा। अभी मैं आपको जब चला के दिखा दूंगा तो आप जो है समझ जाएंगे। ठीक है, इसके फोल्डर को शो करता हूँ और अपने इस पे चलते हैं और यहाँ से जो है मैं इसको करता हूँ अब इंस्टॉल। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको करना है, यस करना है। इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको जो है यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पे जो है आपका जो है यहाँ से अब इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस अभी जो है इतने इंस्टॉल होता है, इतने में जो है वीडियो को पॉज कर देता हूँ, ठीक है, और फिर आते हैं एक मिनट बाद। तो गाइज मेरी जो डाउनलोडिंग है वो फिनिश हो गई है, मेरे पास यहाँ पे जो है स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइज आपके पास भी जो है स्टार्ट का ऑप्शन आ गया होगा, तो आपको स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके जो है डेस्कटॉप पे एक आइकन बन जाएगा, इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है आइकन ये बन गया है गेम लूप के नाम से। तो ये जो है आपको यहाँ से ऑटोमेटिक जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे जो है दो दो मिनट के लिए ओपन होने देते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो है इसकी भी थोड़ी सी इंस्टॉलिंग चलेगी, क्योंकि जो है इसमें अब जो है क्या कर रहा है, इसका जो एमुलेटर है वो यहाँ पे अब इसमें डाउनलोड कर रहा है आपके सिस्टम में, ठीक है। कहीं ज़्यादा एमबी का नहीं है, कुछ लगभग 20 से 30 एमबी का ये जो है एमुलेटर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो है ये इतने डाउनलोड होता है, इंस्टॉल होता है इसमें, तो इतने जो है वीडियो को पॉज करता हूँ, बीच बीच में आपको जो है दिखाता रहूँगा, ठीक है। और गाइस इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप पबजी खेल सकते हैं इसमें, गाइस आप जो है बहुत सारी चीज़ जो है वो यहाँ पे खेल सकते हैं। आप जो है इसमें फ्री फायर भी खेल सकते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेल सकते हैं, आप जो है इसमें रेसिंग कार भी गेम जो है यहाँ से आप खेल सकते हैं। ये ऐसा नहीं है गाइस कि ये जो है एक ही चीज़ के लिए बना, ये गाइस बहुत सारी चीज़ों के लिए बनाया गया है। और गाइस मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आप जो है अगर आपने अभी तक पहले से जो है लैपटॉप में नहीं खेला है, तो आप जो है मैं आपको अगली वीडियो में इसकी कीज़ भी बता दूंगा कि ये जो है किस तरह से जो है काम करता है, आगे कैसे चलता है, पीछे कैसे चलता है, लेटता कैसे है, बैठता कैसे है, बंदूकें कैसे उठाता है, तो वो जो है आपको अगली वीडियो भी मिल जाएगी अगर आप कमेंट करते हैं। तो गाइज इसमें जो है थोड़ी सी और टाइम लगने वाला, तो मैं जो है इसको और यहाँ से पॉज कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ से जो है ये अब मेरा जो है प्रॉपर जो है इंस्टॉलिंग हो चुकी है इसकी, यहाँ पे हो रही है, थोड़ी सी और रह रही है। तो यहाँ पे जो है अब आपको जो है यहाँ पे अपना जो गेम है वो यहाँ पे सर्च करना है, आप जो भी आप खेलना चाहते हैं इसमें। ये नहीं है कि गाइज मैं जो है यहाँ पे पबजी खेलना तो आप भी पबजी ही खेलेंगे, आपको जोन सा और भी खेलना, तो आप जो है वैसे तो मैं आपको पबजी क्योंकि लेटेस्ट में चल रहा है मैं जो है आपको वही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो है मेरा ये जो है यहाँ से डाउनलोड और इंस्टॉल जो है वो हो चुका है या हो रहा है, अभी रुक जाइए एक मिनट। तो यहाँ से जो है मेरा डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। करने के बाद अब आपको जो है यहाँ पे सर्च का ऑप्शन जो है यहाँ से आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकें, ठीक है। सर्च पे जाना है आपको, सर्च पे आपको जाने के बाद आपको जो है यहाँ से जो भी आप खेलना चाहते हैं गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर पबजी, आप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं जो है पबजी मोबाइल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो है मेरे पास अब पबजी जो है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो है और भी आपको रिकमेंड कर रहा है, तो आप जो है इनको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है पबजी आ गया है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे इसका जो इंटरफेस है ऐसा मिल जाएगा, तो आपको जो है यहाँ से डाउनलोड का बटन मिलेगा, आपको जो है सिंपल ये डाउनलोड कर लेना है। गाइस ये जो है थोड़ी सी ज़्यादा एमबी की फाइल होगी, कम से कम 1.3 GB की फाइल होगी, तो यहाँ से जो है मैं इसको डाउनलोडिंग पे स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो है मेरी डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो गई है, और इतने में जो है वीडियो को पॉज कर देता हूँ, इतने में आपको दिखाऊंगा तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। मैं जो है इतने होने देता हूँ इसको। तो गाइस यहाँ से जो है इसकी जो डाउनलोडिंग है वो फिनिश होने वाली है बस कुछ टाइम और बाद। तो गाइस यहाँ से जो है इसकी इंस्टॉलिंग जो है हो चुकी है, और यहाँ से जो अब ये ओपन हो चुका है। मैं जो है इसको एक बार मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पबजी मोबाइल यहाँ पे जो है स्टार्ट हो चुका है, और ये 100 तक जाएगा, एक मिनट इसे होने देते हैं, और उसके बाद दोबारा अपनी स्क्रीन पर आते हैं। तो मैं आपको जो है अगली वीडियो में इसकी कीज बताऊंगा, ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वरना, ठीक है। अगर आपको अब भी इसमें कोई एरर आता है, अभी देखते हैं मैं इसको खेल के भी दिखाऊंगा आपको, जब आपको जो है पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो एक बार इसकी जो है इंस्टॉलिंग हो रही है, तो इसको जो है 2 मिनट के लिए होने देते हैं, ठीक है। करने के बाद दोबारा से वापस आते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं फिर इसमें क्या करना है। तो गाइज यहाँ से जो है इसकी 90% 98% जो है हो चुकी है। और गाइज अभी जो है आपको ये एक बार जो है स्टार्ट नहीं करना है, अभी मैं आपको जो है बताऊंगा, कभी आप जो है स्टार्ट करके बैठ जाए इसको तो ये जो है प्रॉपर से नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको भी बताऊंगा। गाइज अभी तक अगर आपको एरर आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अभी तक तो मैंने आपको जो है डिटो दिखाई वीडियो, उसके आगे भी अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। अगर एरर आता है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, मैं आपको जो है उसको सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर एरर नहीं आता है आपको जो है अगर ये प्रॉपरली चलने लगता है बिना लैग किए, तो गाइज बहुत अच्छी बात है, आपका जो पबजी है वो स्टार्ट हो जाता है। गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए एक मिनट मैं इसको देख लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा रहा है गाइज, ये शुरू शुरू में गाइज टाइम ही लगाता है हमेशा, और उसके बाद जो है जब आप इसे हमेशा स्टार्ट करते रहेंगे तो गाइज वो तो अच्छा चलने लगेगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ से जो है ये स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे जो है मैंने जो कुछ नहीं किया था इसमें, और यहाँ से जो है परमिशन अलाउ पूछ रहा है जैसे आपसे मोबाइल में पूछता था। तो चलिए मैं इसको ओके कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी तक मैं जो है सारी चीज़ आपको दिखाता जा रहा हूँ, तो गाइज आपको जो है वीडियो ओनली देखते रहना है बस, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप स्किप कर देते तो शायद ऐसा हो सकता है कि बीच में आपका जो एरर आ दे, तो ठीक है। तो यहाँ से जो है अभी थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा, तो इतना मैं वीडियो को दोबारा से पॉज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गाइज ये जो है ओपन हो रहा है, और यहाँ पे ओपन भी हो चुका है। तो गाइज यहाँ पे जो है इसकी यहाँ पे चेकिंग चल रही है, डाउनलोडिंग चल रही है, कुछ पैकेजेस इसकी, ठीक है, 17 MB की है कुल, कोई बात नहीं करने देते इसको, ठीक है।
तो यहाँ से जो है ये भी हो चुका है फिनिश। अब ये जो है कुछ अपने रिसोर्सेज को भी डाउनलोड करेगा, ये गाइज अपने मोबाइल में भी करता है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास स्क्रीन आ गई है, जैसे हमारी मोबाइल पे स्क्रीन आती थी बिल्कुल लिखता हुई वाली स्क्रीन आ रही है। सॉन्ग भी आ रहा है इसका पीछे बैकग्राउंड में, अगर आपको सुनाई दे रहा तो ठीक है। अब आप जो है इस पे किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। सिंपल मैं जो है फेसबुक से लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने जो है फेसबुक से ही पहले भी लॉगिन किया था, तो मेरा जो है ऑलरेडी जहाँ तक है लॉगिन अपने आप हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगा है कि जहाँ तक हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ से अगर ये पासवर्ड पूछता है तो देते हैं वो पासवर्ड। आप जो है इस पे मोर पे क्लिक करके भी आप जो है इसमें अपना वो यूजर नेम और पासवर्ड जो है भर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार वीडियो को पॉज करता हूँ, उसके बाद मैं पासवर्ड भर के फिर आता हूँ। गाइस मैं जो है इसको सिंपली लॉगिन कर चुका हूँ ठीक है, आप भी लॉगिन कर लेना ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी ये मेरा जो है अपने अपने वेब पेज पे लेके चले जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ अभी और बताऊंगा आपको, वो जो है आपको जरूर से जरूर ध्यान देनी है। अगली बार अगर इसे रीस्टार्ट करेंगे तो ये जो है नहीं चलेगा ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पहले बताता हूँ। गाइस मैंने जो है ऑलरेडी ये जो है अपने लैपटॉप में डाला था, और उसके बाद जो है मैंने अभी अनइंस्टॉल कर दिया था। तो मैं जो है आपको डाउनलोडिंग करके दिखा रहा हूँ ठीक है। तो यहाँ पे जो है इतने ये स्टार्ट होता है, तो मैं जो है अब यहाँ पे जो है आपका जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो आपको जो है यहाँ से प्ले का बटन जो है आ जाएगा, आप जो है इस पर क्लिक करके प्ले भी कर सकते हैं ठीक है। मैं जो है अभी फिलहाल इसको काट देता हूँ, यहाँ से अपने इस पर चलते हैं ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी ये स्टार्ट जो है हो रहा है, पर मैं जो है अभी क्या करने वाला हूँ, मैं जो है इसको अभी कट करने वाला हूँ। क्यों अभी मैं आपको समझा दूंगा क्यों कट करूंगा मैं यहाँ से इसको ठीक है। चलिए एक बार आप भी इसको कट कर दीजिए सबसे पहले ठीक है। यहाँ से आ गया तो यस करता हूँ मैं इसको, यहाँ से जो है ये कट हो चुका है। तो सिंपली गाइज यहाँ पे जो है आपने कट जो है कर दिया है। करने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपल अब आपको ये वाला जो आइकन है ना गाइज, इससे तो आपको जो है पबजी अपना ओपन नहीं करना है। आपको जो है जब आपने ये जो अपने जब आपने पबजी जो है डाउनलोड किया था, यानी जो इंस्टॉलर है जब डाउनलोड किया था, तो आपने जो है या तो सी ड्राइव में किया होगा या डी ड्राइव में किया होगा, दोनों में से किसी ना किसी में से एक में किया होगा, क्योंकि उसने लोकेशन जो है पूछी थी ठीक है मेरी, जहाँ तक डी ड्राइव में पड़ी होगी। तो यहाँ पे जो है आपको जो है फोल्डर मिलेंगे, एक तो प्रोग्राम फाइल का मिलेगा और एक टैंप का मिलेगा। टैंप में तो गाइस आपका जो है एक पबजी पड़ा हुआ है ठीक है, और ये जो प्रोग्राम फाइल्स है इसमें आपको जो है ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसको भी ओपन करना है। आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऐप मार्केट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप मार्केट का ऑप्शन मिल गया। मैं जो है इसको ओपन करता हूँ। अब आपको नीचे जाना है, सिंपल धीरे धीरे जाना है। आपको जो है यहाँ से एक ये मिलेगा ऐप मार्केट ठीक है, आपको ये जो है यहाँ से सेंड टू डेस्कटॉप कर लेना है ठीक है। एक एक चीज़ यार आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको अभी दिक्कत आ रही है तो यार गाइज पता नहीं यार आपको क्या होगा फिर ठीक है। तो यहाँ से जो है मेरा ये जो है आ चुका है ठीक है। अब एक मिनट, अब आपको जो है ये क्या करना है, इस वाले को तो गाइज आपको जो है ओपन नहीं करना है। एक मिनट मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करता हूँ ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं इन दोनों को एक फोल्डर के अंदर मूव जो है यहाँ से कर देता हूँ ठीक है। इसको ओपन करता हूँ फोल्डर को, तो यहाँ पे जो है मेरे पास ये दोनों आ गए हैं। अब आपको जो है ये वाला तो ओपन नहीं करना है, आपको ये वाला जो है ओपन करना है ऐप मार्केट वाला, जिसका शॉर्टकट आपने बनाया है। ओपन करते हैं, यस करता हूँ इसको, यहाँ से प्ले करता हूँ मैं इसको ठीक है। अब जो है आपका बड़ी जल्दी जो है प्ले भी हो जाएगा, सारी चीज़ अब जो है यहाँ पे दिखा देगा ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से जो अभी प्ले हो रहा है, आपने भी देख लिया था वो। तो अब तो गाइस बड़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपने जो है पहले ऑलरेडी किया हुआ था। गाइस ये जो है अब ये जो है हर जब भी अपना पबजी जो है स्टार्ट करेंगे तो हर उसमें जो है बहुत जल्दी से हो जाएगा गाइस। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, पक्का बता रहा हूँ मैं आपको ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ओपन हो चुका है ऑटोमेटिक, जी मैंने क्लिक नहीं किया जो है ओपन हो गया है। तो गाइस यहाँ पे जो है ये ओपन हो चुका है मेरे पास, यहाँ जो है ये मूव कर रहा है ठीक है। तो यहाँ से जो है थोड़ी देर से होने देते हैं। गाइस इसमें क्या होता है, गाइस जब भी मैं इसमें रिकॉर्डिंग करता हूँ ना अपने लैपटॉप में, तो गाइस वो जो है थोड़ा सा पता नहीं लैग होने लगता है, पता नहीं क्यों। तो गाइस आपका जो है ये सिस्टम मुझे पक्का पता है, ये बिल्कुल बढ़िया चलने वाला है। मैं जो है इसको खेल के देख चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर नहीं चलता है तो आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, मेरी वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं ठीक है। तो गाइस ये जो है एक बार आपको जरूर करके देखना है ठीक है। तो आपको जो है अगर फुल स्क्रीन करनी है इसकी, ये जो है नीचे के टैब टैब सब हटाने हैं, तो आपको जो है यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है ये रहा फुल स्क्रीन का, तो यहाँ से जो है आप इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको फिर दोबारा से मिनिमाइज करनी है, तो आपको जो है F11 आपको ऊपर दिखा रखा है, जैसे आप F11 प्रेस करेंगे जो की है वो यहाँ से दोबारा से मिनिमाइज हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये टाइम लगा रहा थोड़ा सा, तो इसको होने आ सकते हैं ठीक है। अगली वीडियो में आपको जल्दी मिल जाएगी ठीक है। इस वीडियो के बाद जो है मैं अगले दिन इसकी वीडियो भी डाल दूंगा ठीक है। यहाँ पे जो है मेरे पास ओपन हो चुका है, और यहाँ से जो है ये भी अब ओपन हो रहा है। गाइस बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं, यार रियल वीडियो डालता हूँ हमेशा चैनल पे, एक बार चैनल को विजिट जरूर करके देख लेना। देख एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, इतने वो स्टार्ट होता है ठीक है। तो आपको जो है प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को जो है विजिट करके देख लेना, प्लेलिस्ट पे जाना है आपको। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको जो है यहाँ से काफ़ी सारा जो कंटेंट्स है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा यहाँ से। एक बार प्लीज़ चैनल को विजिट करना, उसके बाद ही सब्सक्राइब करना। अगर अच्छा लगे कंटेंट तो सब्सक्राइब करना, अगर नहीं करना तो मत करना ठीक है। तो यहाँ से जो है मैं इसको यहाँ से जो है ओपन हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, इसको होने देते हैं दो तीन मिनट के लिए और। तो यहाँ पे जो है मेरे पास यहाँ पे एमुलेटर डिटेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो मेरे पास आ चुका है, तो मैं अब इसको जो है ओके करने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास भी आएगा, पक्का आएगा गाइस ठीक है। मैं जो है इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे जो लॉगिन पेज था वो ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ से जो है जो आप मन मर्जी चाहें, आप इसमें TDM खेल सकते हैं, क्लासिक खेल सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें सेट कर सकते हैं। गाइज अगर आप पहली बार यहाँ से, रिक्वेस्ट भी आ गई है यार कैसे करूँ ठीक है। तो यहाँ से जो है आप इसमें
जो है कुछ भी यहाँ से खेल सकते हैं। अगर TDM खेलना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करते ही जैसे ही है आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ आपका जो TDM है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप क्लासिक भी स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको जो है खेल के दिखा दिया था गाइस। अगर आपको अब भी इसमें कोई दिक्कत आ रही है, एक मिनट में आपको चलिए एक बार स्टार्ट करवा के दिखा दो। कभी आप सोचे कि यार इसने स्टार्ट तो करवा के दिखाया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा ये जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसको एक बार मिनिमाइज करता हूँ। तो यहाँ से अब जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज मैं जो है यहाँ से मैच में जो है एंटर कर चुका हूँ और यहाँ से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं मैच और प्रॉपर जो है मेरा यहाँ पे हवाई जहाज भी उड़ चुका है। अरे ये कौन है यार, इसको बंद करो, ठीक है। तो गाइज यहाँ से जो है इसको ओपन यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे अनफॉलो और फॉलो जैसे आप करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप नीचे भी कूद सकते हैं। गाइज मैंने जो है आपको पूरा प्रॉपर दिखाया है। वैसे तो यहाँ पे जो है कोई लैग अभी फिलहाल नहीं कर रहा है, आपने भी देखा है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मैं यहाँ से कूदता हूँ, जंप करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। गाइज अगली वीडियो में मैं जो है इसकी कीज दिखा दूंगा आपको कि आप कैसे जो है खेल सकते हैं, ठीक है। तो गाइज बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जो है इसको मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। जैसे सिंपल मैं इसको यहाँ से कर दूँ कट, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल खेलना नहीं है। तो मैंने जो है यहाँ से ये आपको बंद करके दिखा दिया है। गाइज एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जब आप इस वाले उसको खोलें तो आप जो है ये वाला ना खोलें, ये वाला ही खोलें। ये जो है हमेशा आपको जल्दी से जो है PUBG को स्टार्ट करके दे देगा।